जहां पर आईजी ऑफिस के सामने खड़े हैं। मेरे साथ कोंडागांव से करीबन 35 किलोमीटर दूर मोंगवाल गांव के कुछ लोग खड़े हैं जो मसीही धर्म पर विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं। इन लोगों को पिछले दिनों में 4 तारीख को गांव से थका मुक्की करके धमकी देके उनको गांव से निकाला गया और उनको ये कहा गया कि गांव हमारा है, शासन हमारा है, जंगल हमारा है और तुम्हें गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है और तुम्हारा कोई हक गांव में नहीं बनता है। और उनको ये भी कहा गया कि यदि गांव में वापस आओगे तो मारपीट करके या काटपीट करके तुमको फेंक दिया जाएगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित इसलिए आया है ताकि हम आईजी साहब से मिले और आईजी साहब को ज्ञापन सौंपे। हमने अभी आईजी साहब से मिला, आईजी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा और आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात करेगा और इन प्रिय भाई लोगों को और इनके परिवार के जो पीड़ित लोग हैं उनको वापस सुरक्षित गांव पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और उनको अपने गांव में जो उनका हक का जमीन है, उनका जन्मभूमि है, वहां पर उनको वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन आईजी साहब ने दिया है। हम आईजी साहब के लिए भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं, उसने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और हमारे साथ सहयोग के लिए उसने वचन दिया और इन प्रिय भाई लोग सुरक्षित अपने गांव वापस जाने के लिए हम कामना करते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना भी करते हैं। और इन दिनों में बस्तर के अंदर विशेष करके नारायणपुर में, कोंडागांव में और इस बस्तर में बहुत जगहों में मसीही लोगों के ऊपर बड़ी उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है, परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं और उनको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन मसीहियों को अपने धर्म के ऊपर आस्था रखने, अपने विश्वास को पालन करने और बाइबल के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीने का पूरा हक है, पर वो सारे हक उनसे छीना जा रहा है। संविधान को भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इन प्रिय लोगों को संविधान के अंतर्गत जो राइट है और उनको जो मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं।